हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की इन इंडिया में, उनकी कट ऑफ के बारे में। उसको हम कंपेयर करेंगे 2023 से, और उसके बाद मतलब हम बेसिकली एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं और NIRF रैंकिंग की। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए BAMS के लिए भी बना दूंगी, BUMS के लिए भी बना दूंगी, BHMS के लिए भी बना दूंगी, डेंटल के लिए भी बना दूंगी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स दिल्ली, ठीक है, NIRF जो रैंकिंग है वो है 1। अब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले फिर से तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंक में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे बहुत सारे बच्चे आए, जिसकी वजह से रैंक जो है वो पीछे खिसक गई आपकी। पर इतना पीछे खिसकी, आप समझो मेरी बात को, इतना पीछे खिसकी का मतलब ये है कि सेम नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं खिसक गई कि 20,000 रैंक पीछे हो गई, ऐसा नहीं होता बेटा। 1,000-2,000 का मार्जिन चलता है, पर वो भी चलता है हर स्टेट या हर कॉलेजेस के साथ नहीं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेट और हर कॉलेजेस के साथ ऐसा नहीं चलेगा। जैसे राजस्थान में बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। तो अगर उसकी स्टेट काउंसलिंग में आप बैठेंगे तो वहां पर जो आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम रैंक इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये, मैं आपको कहती हूं हर बार कि 1,500 प्लस माइनस कर लो, है ना, इससे ज्यादा मत करना। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम प्लस 10,000 कर देते हैं क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये फॉल्स होता है, ऐसा नहीं होता। पिछले साल के डेटा में आप मैक्सिमम 1,000 से 2,000 प्लस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो भी इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, ईच एंड एवरी कॉलेज एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो जब भी आप कमेंट करते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के किया करो कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो समझो बात को, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। हालांकि आपका हक है, आप कर सकते हो, इससे मुझे भी पता चलेगा कि भाई बोला क्या है, वापस से सुनती हूँ मैं, ठीक है। तो एम्स दिल्ली NIRF रैंकिंग जो है वो है फर्स्ट। अब देखो ये है 23 की कट ऑफ। अब इससे यहीं से मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। देखो अब देखो, जनरल की रैंक है 56, ठीक है। अब तुम मान लो यहाँ पर 2000 कर दोगे, 200 कर दोगे, तो क्या कहते हो कि 256 वाले एम्स तक चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। क्यों क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पहले क्या था, 67 स्टूडेंट्स थे जो टॉपर थे, बाद में वो 61 हो गए, अब तो 17 ही बचे। तो अगर मान लो 67 बच्चे टॉपर होते, ध्यान से सुनना, तो इसकी जो रैंक है 56, है ना, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी 720 नंबर वाले हैं वो सब एम्स पहुंच जाते 56 रैंक वाले। अभी भी, है ना, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैम अब क्या होगा, आप हम लोगों को ये बता दीजिए। होगा ये बेटा कि 1 से लेकर 56 स्टूडेंट्स ही पहुंचेंगे, समझे, 1 to 56 रैंक वाले ही बच्चे एम्स में पहुँचेंगे। अब वो बच्चे सेम मार्क्स वाले हो सकते हैं, पर रैंक जो है सीटें 56 ही रहेंगी। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? तो रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, मार्क इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई अगर मान लो 67 स्टूडेंट 720 वाले एम्स पहुंच जाते, तो हम क्या बोलते कि भाई इस बार टॉपर जो थे वो 67 थे, सारे ही पहुंच गए एम्स। तो मार्क इन्फ्लेशन हुआ ना, मार्क्स चेंज हुए हैं, एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे जो है पाए गए, ठीक है। अब आप इससे रैंक कैसे खिसकी कि मैम एक ही नंबर पर जो है 56 बच्चे आ गए, तो किसी को एक रैंक मिली, किसी को 56 रैंक मिली, इसीलिए नंबर तो सबके 720 थे, तो एक की 56 क्यों आ गई? क्राइटेरिया डिपेंडेंट है। तो कितना भी खिसकाओगे रैंक पीछे, तो कितनी खिसका लोगे? 20,000 खिसका दोगे क्या बच्चों भी रैंक, बताओ? तो इसलिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, वैसे तो रैंक इन्फ्लेशन तो हुआ ही, क्योंकि 510 में लास्ट ईयर जो रैंक थी वो इस बार बहुत पीछे है, पर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कॉलेज में अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 1,00,000 पे वो कॉलेज क्लोज हुआ था, तो मैक्सिमम 1,20,000 पे होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चों, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने 20,000 बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है। ये शुरू होता है 100 to 200, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, इसलिए मैं बोलती हूँ 500,000 प्लस कर लेना, ठीक है, 500,000 प्लस कर लेना, पर 20,000 तो मतलब ये तो
बहुत भयंकर बता दिया, इतना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो जनरल के लिए 56 है, 710 मार्क्स थे। इस बार आपका जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं आपके 715 से 720, क्योंकि टॉपर कम हो गए। अब 17 720 वाले हैं, बाकी जो है 715 वाले होंगे। EWS के लिए जो रैंक थी वो थी 258, मार्क्स थे 700, ठीक है। अब एम्स का तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा, +5 +5 मार्क्स में करते जाइएगा। ऑन वेर वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग, वी नेवर टॉक अबाउट द मार्क्स बेटा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रैंक। ओबीसी के लिए जो लास्ट रैंक थी वो थी 255, ओके। एससी के लिए थी 989 और एसटी के लिए थी 1624, ये रैंक थी, ठीक है, ये रैंक थी। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी, यस और नो बोलो। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बार रैंक थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक ही मार्क्स पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे, है ना, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे थे तो मार्क्स सेम होंगे पर उनकी रैंक अलग अलग होगी, क्योंकि क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 56 स्टूडेंट एम्स में है, तो 1 से 17 तक के सबके नंबर कितने हैं, 720, तो मार्क्स तो सब सबके सेम है, पर क्राइटेरिया अलग अलग होने की वजह से किसी को एक नंबर दिया गया, किसी को दो नंबर दिया, किसी को तीन नंबर दिया, पर फिर भी रैंक 56 तक ही एम्स दिल्ली आपको मिल सकता है। आपकी रैंक 57 हुई और अगर आपके 720 नंबर भी हुए फिर भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रैंक्स आर सेम, मार्क्स आर इन्फ्लेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो NRF रैंकिंग जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज़ अ BHU, ये है NRF रैंकिंग 5, ठीक है। ये है टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज जो इंडिया में है। अब बीच में क्या है, बीच में ज़रूरी नहीं है बेटा, NRF रैंकिंग जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बहुत अच्छी होती है, एम्स से भी बहुत सारे एम्स से अच्छी होती है, ठीक है। जनरल जो है रैंक जाती है उसकी वो थी 919, ये है 2023 का कट ऑफ और मार्क्स है 688, ठीक है, BHU के लिए, है ना, रैंक इतनी थी, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा बहुत कर लो भाई, ±100-200, ठीक है। EWS के लिए जो रैंक थी वो थी 1442 और मार्क्स थे 657, ठीक है, 657। अब एस्टिमेशन हम ऐसा कर रहे हैं कि +200 कर लो इस पर, ठीक है। मैंने आपको बोला जब भी हम टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होगा, टॉप मेडिकल कॉलेज में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होंगे, मैं बता रही हूँ। इन्फ्लेशन हमेशा लास्ट राउंड के रैंकिंग पे होते हैं ज़्यादातर, समझ लो बात को ये, ठीक है। OBC के लिए जो आपकी रैंक है वो है 2000, ठीक है, लास्ट ईयर की, ओके। और SC के लिए है जो आपकी रैंक, यस, SC के लिए जो आपकी रैंक है वो है 56,819, ST के लिए जो रैंक थी वो थी 96,58, ठीक है। कितना करोगे, BHU में जाना है, +200 कर लो, इससे ज़्यादा रैंक वालों, मान लो यहाँ पे 96 पे लास्ट ईयर मिला था, तो इस बार हम ये मान रहे हैं कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो हम ये मान रहे हैं +200 कर लो, 300 कर लो, हाई ये वेटेज वाले कॉलेज है, इनमें ज़्यादा इन्फ्लेशन चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इज एंड रिसर्च पुडुचेरी विच इज़ द जिपमर। NIRF रैंकिंग जो है वो है आपकी 6, ठीक है। जनरल रैंक आपकी होनी चाहिए 227, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि अगर आपकी 250 रैंक तक है तो ही आपको जिपमर मिलेगा, ठीक है, ओके। EWS 1576, ±, आपको करना है इसमें कितना कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, ठीक है। तो जब भी आप जिपमर सिलेक्ट करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, प्लीज़ मेक श्योर बेटा कि आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए है वो इन्हीं के आसपास होनी चाहिए है, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ, वेन एवर वी टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन, दिस इन्फ्लेशन इज़ लिटिल बिट, मतलब इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा तो पीछे की रैंक्स में ज़्यादा है, ठीक है, आगे की रैंक्स में बहुत इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस आपको इन्हीं के आसपास मिलेंगे, चाहे तो आप 22 का डेटा निकाल लो, चाहे 21 का डेटा निकाल लो, ठीक है। EWS, ठीक है, 1576 गया, ठीक है, 1700-1800 मिल जाएगा, ठीक है। OBC 592, SC जो है 3985 एंड ST 1100-584। अब मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमेशा प्लस करना इज़ नॉट नेसेसरी। आप जैसे मान लीजिए 227 था, तो अगर किसी की रैंक 190 से 180 से शुरू करिएगा, 250 और 60 तक आप जिपमर को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी रैंक है तो माइनस भी करके देखिएगा। इट्स ऑल अबाउट द क्राइटेरिया एंड योर लक, ठीक है, एंड योर लक, समझ में आ रही बात, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, विच इज़ द KMU, NIRF रैंकिंग है 11, ठीक है, KGMU, ओके। जनरल जो रैंक थी वो थी 2199, ठीक है। कुल मिला के जो टॉप कॉलेजेस है ना बच्चों,
आप देखोगे उनमें आपकी जो जनरल की रैंक है ना वो मैक्सिमम 4,000-5,000 तक जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी भी नहीं और कम में जाएगी, ठीक है। और एसटी की भी देखो 69,171 पे क्लोज हुआ था ये, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर फिर कह रही हूँ कि मैं यहाँ डिस्क्लोज ही नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट राउंड का है, सेकंड राउंड का है, थर्ड राउंड का है, मैं डिस्क्लोज ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि 22,199 है तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ अ राउंड वन डेटा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए गया 2856, ओबीसी के लिए गया था 2758, एससी के लिए गया था 22970। मार्क्स के बारे में बात नहीं करते, मार्क्स हम ये मान रहे हैं कि आपके नंबर जो हैं वो 690, अगर आपके नंबर 690 हैं, ठीक है, आपके नंबर 690 हैं तब आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है, 690 के आसपास, ओके। नेक्स्ट है मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, एट आईएफ रैंकिंग इनकी 12 है, ठीक है। आइए, इनकी जो जनरल की रैंकिंग थी लास्ट ईयर 1585 थी और मार्क्स थे, मतलब अगर आपके इस बार 700 नंबर हैं, ठीक है, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है बच्चों, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए था 5158, ओबीसी के लिए था 1165, एससी के लिए था 19658, ठीक है। बोलो क्यों ऐसा, क्योंकि अब अगर आपको ये वाली रैंक चाहिए ना, इस टाइप की रैंक प्लस माइनस 100, तो आपको इधर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 680 पे 5, जैसे 1585 रैंक लास्ट ईयर 680 पे थी, तो इस बार 10-20 नंबर बढ़ा के लीजिएगा, आपके 700 नंबर होंगे तब आपको ऑलमोस्ट ये वाली रैंक मिल रही होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द मार्क्स इन्फ्लेशन, फिर कह रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, एम्स जोधपुर, एनआईएफ रैंकिंग है 16, एनआईएफ रैंकिंग है 16, 2023 का कट ऑफ कुछ ऐसा रहा, यहाँ पर मैं मदद कर रही हूँ, 700 नंबर। टॉप 10 कॉलेजेस को लेने के लिए योर नंबर शुड बी 690-720, ठीक है, या 680-720 फर्स्ट राउंड के लिए। अब लास्ट राउंड तक आपकी किस्मत है कि हो सकता है कि किसी ने सीट छोड़ दी हो तो आपको लास्ट राउंड में वो अलाउट हो जाए, ठीक है। तो जब भी आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं तो मेक श्योर कि इन सारे कॉलेजेस को जरूर फिल करिए, आप हर बार फिल करिए, ठीक है, क्योंकि जब लिस्ट जारी होगी, जैसे मान लो आपको एम्स जोधपुर चाहिए, फर्स्ट राउंड पर सारी सीटें फुल हो गई, आपको लिस्ट एमसीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, मत भरो। पर अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी 5 सीटें खाली हैं, राउंड 2 पे भरो, अभी भी लगता है 2 सीटें खाली हैं, फिर से भरो, हो सकता है कि एक सीट लास्ट में बची हो मॉपअप राउंड में और वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको मिल जाए। अगर कॉलेज मिल गया बीच में, चले जाओ वहां से अपग्रेडेशन डालो और अपग्रेडेशन में जाकर स्ट्रे वैकेंसी पे लो। तो समझो बात को, ये पूरा गेम जो है, कहानी क्या है, इट्स नॉट अबाउट द डेटा, समझो मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट द डेटा कि मैम आपने गलत बता दिया, मैम 500 है, 700 है, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी सर वीडियो बना रहा है तो वो आपको यही बताना चाह रहा है कि इसके आसपास के जो है रैंकिंग आपकी है, ठीक है, तो आप ये कॉलेज को सिलेक्ट करिए और अपने मार्क्स पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 695 पे अब ये रैंक नहीं मिल रही है, अब ये रैंक 705 पे मिल रही होगी, ठीक है। चलिए, AWS के लिए था 1082, मार्क्स से 685, मतलब कुल मिला के एम्स जोधपुर जाने के लिए आपके नंबर जनरल के लिए होने चाहिए 700, AWS के लिए होने चाहिए 690, OBC के लिए होने चाहिए 690, ST के लिए आपके पास होना चाहिए 660-665, ST के लिए होना चाहिए कम से कम जो है 640-650 के आसपास, ठीक है, ओके। नाउ है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल जो है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो है, ये बहुत ही फेमस कॉलेज या हॉस्पिटल है, ठीक है। NRF रैंकिंग जो है ये है 19, देख लो भाई, 113, ठीक है, ये समझो बात को, आपकी रैंकिंग कितनी थी लास्ट ईयर, 113 वाले ने ली है इसको, एंड दीज आर नॉट अरेंज्ड कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रैंडमली है, पर ये टॉप 10 है, ठीक है, आप ये मत सोचो कि फर्स्ट है सेकंड है, रैंडमली है, ठीक है। तो जनरल के लिए आपकी रैंक है 113, 700 नंबर 705, तो इस बार कितने में मिलेगा, 710 पे भाई, ठीक है। सफदरगंज, सफदरगंज इज वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस, ठीक है, मतलब आप सोचो कि दिल्ली में दो ही का जो है डंका बचता है अगर सरकारी में, एम्स और सफदरगंज अस्पताल का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, ईडब्ल्यूएस के लिए 338 रैंक थी, ओबीसी के लिए 468 थी, एससी के लिए थी 2084, एसटी के लिए थी 2322, और फिर मैं कह रही हूँ नंबर पे विशेष ध्यान दो, हर टॉपर जो भी टॉप 10 कॉलेज में आ रहा है उसके नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 690-720, तो आप अगर टॉप 10 कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो 690-720 नंबर आपके होने चाहिए। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 22, ठीक है, 3000, अब सुनो, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा है, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर 3000 रैंक इस साल किस नंबर पे मिली है,
ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 3200 तक जा सकते हो आप, ठीक है 3200। अब आप बताओ किस नंबर, 3200 रैंक, या कह सकते हैं 2800 से 3200 वाले जो है वो एएमयू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कह रही हूँ 10000, अब कर लो इसमें 10000, बहुत आपको लगता है ना इन्फ्लेशन हुआ है, तो क्या मतलब है कि 13000 बच्चे एएमयू, अगर किसी की 13000 रैंक है तो क्या 13000 वाले सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, क्लियर। प्लस माइनस आपको करना है इसको, ठीक है, माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, दोनों एक रेंज बना लीजिए जब भी आप काउंसलिंग के लिए करते हैं कि भाई हम प्लस माइनस करके देखेंगे, माइनस भी करके देखेंगे, प्लस भी करके देखेंगे, और फिर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग की कोई सीमा नहीं है, तो माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, ठीक है। चलो, EWS के लिए थी 3572, OBC के लिए 3640, SC के लिए 14009, ST के लिए थी 29005, प्लस माइनस आपको करना है, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। तो जनरली होता ये है कि लोग ना यहाँ पे, मैम 705 वाले जाते हैं, 705 वाले को जो है तो क्या मिला था, अपना सफदरगंज मिला था, तो इस बार भी 705 पे सफदरगंज मिलेगा। जनरली लोग यही सोचते हैं ना कि लास्ट ईयर 705 पे सफदरगंज मिला था, तो इस बार 705 में सफदरगंज मिलेगा। तो बेटा तू ये देख, लास्ट ईयर 113 वाले को मिला था सफदरगंज, और इस बार जिसकी 113 रैंक होगी ना, उसके नंबर 710 होंगे या 715 होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसलिए कभी भी हम मार्क्स पे बात नहीं करते हैं, हम हमेशा रैंक्स पे बात करते हैं, क्योंकि मार्क्स पर्टिकुलर रैंक के लिए चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, NIRF रैंकिंग है आपकी, NIRF रैंकिंग है 23, ठीक है, कैटेगरी है 80, जनरल के लिए 87, 710 मार्क्स, इट इज़ रैंडम, मैं फिर कह रही हूँ इट इज़ रैंडम, ठीक है। तो 87 रैंक वाला गया, ठीक है, 87 रैंक वाला गया है और 710 नंबर थे। अब तुम मुझे बताओ इस बार 87 पे कितने नंबर रहे होंगे? 715 यार, 715 नंबर चाहिए इस बार, सीधी बात है। EWS 87, ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि अगर 87 आपकी रैंक है तो आपके नंबर जो है वो 715 होंगे, और अगर आपकी 87 से 90 रैंक है, 80 से 90 रैंक है, तो आप डेफिनेटली जो है मौलाना आजाद चुन सकते हैं। EWS के लिए जो है वो क्या है, MEMC, ठीक है, उसके बाद आपका 327 जो है ये किसकी रैंक है, 327 है EWS के लिए, OBC के लिए 404, 1225 SC के लिए, एंड ST के लिए 3171। अब तुमको मैं यही समझा रही हूँ, अगर तुम्हारी रैंक 3171 है, या 3200 इस बार रैंक है, ठीक है, या 3250 तुम्हारी रैंक है, तुम पक्का MEMC चुनो, ये सोचो ही मत कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी 667 है, तुम्हारी ये रैंक नहीं होगी इस साल, तुमको रैंक देखना है ना, इसलिए मैं रैंक्स पे बात करती हूँ। रैंक की, इस रैंक के आसपास आप इस कॉलेज को चुन सकते हैं, ठीक है, ओके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज़ वेरी वेरी फेमस, वन ऑफ माय स्टूडेंट, ठीक है, जिसका जो है तो जिसका नाम है राघवेंद्र, वो यहीं पढ़ता है। NIRF रैंकिंग जो है 26, 603 रैंक वाले को मिला है, नंबर 680 है। अब आप सोच लो कि 600 रैंक जो है किस नंबर पे आई होगी, मैं फिर कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किस रैंक को मिल सकता है भाई, हम ये कह सकते हैं 600 से लेकर या 550 से लेकर 650 तक, ठीक है, 10000 वाले को नहीं मिलेगा, इतना इन्फ्लेशन नहीं होते बेटा, ठीक है। EWS के लिए 1712, 679, OBC के लिए है 1065, ST के लिए 6720, ST के लिए 20333। और एक बात और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देती हूँ, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम लास्ट राउंड के डेटा पे इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्यों क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी किस्मत ये काम करती है। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि इसकी कट ऑफ रैंक थी 100000, ठीक है, जो भी लिख दिया मैंने, जो भी, ये देखो 1,79,000, और इसको कौन सा कॉलेज मिल गया, कोई बहुत अच्छा सरकारी कॉलेज मिल गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है बच्चों कि इसकी कट ऑफ रैंक यही रहेगी। अब 1,79,000 के बच्चा वहां जाएगा ही, उसका किस्मत था उस दिन, उसकी उस दिन किस्मत थी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक सीट बच गई थी और लकीली उसको वो सीट अलॉट हो गई, ठीक है। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि क्लोजिंग रैंक ये है, तो हो सकता है सिर्फ एक वही एक बच्चा हो जिसको एडमिशन मिला हो, क्लोजिंग रैंक ये हो ही नहीं, हो सकता है कि उसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 50,000 थी लास्ट राउंड पे, पर उसने काउंसलिंग इतने तरीके से अटेंड की थी कि 100,000 वाले बच्चे को, एक बच्चे को एडमिशन वहां मिल गया। तो हम तो यही बताएंगे कि क्लोजिंग रैंक 100,000 थी, तो तुम जितने 100,000 वाले बच्चे हैं सब वहां पर जो है कॉलेज सेलेक्ट करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि लास्ट राउंड पे मार्जिन हमेशा लेके चलना चाहिए, है क्लियर है। आई होप मैं आज आपको समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आया, ओके। सो मैंने आज आपको 2023 का डेटा दिखाया, इस रैंक के आसपास जो है आप सिलेक्ट करिए अपना कॉलेज, क्योंकि टॉप 10 है इसलिए इन्फ्लेशन इनमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे दिखाई देंगे,
इसलिए 100-200 का ही बताया मैंने, लास्ट राउंड में इन्फ्लेशन हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस पे बनाओ, ठीक है। ये टॉप 10 लिस्ट थी आपकी, और इनमें अगर आप टॉपर हैं और अगर आपके नंबर 690 से 720 है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। रैंक तो हटा ही दो बेटा, अगर आपके नंबर मैं बता दे रही हूँ, अगर आपके नंबर 690 से 720 है तो इन कॉलेज को आप अपने लिस्ट में रख सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।